आप नेता मनीष सिसोदिया आज 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। विज ने मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर चुटकी ली और कहा कि सिसोदिया छोटी जेल से बड़ी जेल में आ रहे हैं। विज ने कहा उन्हें हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगवानी है। पासपोर्ट उनका जब्त है जिससे वो कहीं आ जा नहीं सकते, लिहाजा वो छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं। विज ने कहा जमानत होना रिहा होना नहीं होता। जेल से बाहर नहीं आए हैं, उनका छोटी जेल से बड़ी जेल में तबादला हो गया। अब वो जेल उससे तो बाहर आ गए हैं, पर यहाँ भी उनको 2 दिन हफ्ते में थाने में हाजिरी लगानी है। पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया है और कहीं वो आ जा नहीं सकते हैं, तो ये भी एक जेल है। तो वो छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं और जमानत होना रिहा होना नहीं होता है। ये तो केस की जब चलता है तो बीच में जमानतें हो जाती हैं, कोई रिहा होना नहीं माना जाता। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बयान आया था कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा 25% नए चेहरों को मौका देगी। बडोली के इस बयान का स्वागत करते हुए अनिल विज ने कहा कि ये अच्छी बात है, आवश्यकता पड़े तो 25% ही क्यों, सारे विधायकों का रिकॉर्ड देखकर ही टिकटें देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, 25% क्यों, अगर आवश्यकता पड़े और सारे विधायकों का रिकॉर्ड देखना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड है उनका, और उसी के मुताबिक उनको टिकटें देनी चाहिए। हरियाणा के खिलाड़ी अमन सहरावत ने देश की झोली में एक और पदक डाला है। विज ने उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि हरियाणा ने ओलंपिक्स में अपना परचम लहरा दिया। सारे हिंदुस्तान में अब तक जो मेडल आए हैं वो हरियाणा के हैं, क्योंकि हरियाणा की मिट्टी में ही खेल बसा हुआ है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। हरियाणा देखिए इस बार रोजाना हरियाणा का नाम आ रहा है ओलंपिक में। हरियाणा के खिलाड़ी अपना जोहर दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में अब तक जो मेडल आए हैं वो हरियाणा के ही आए हैं, और भी मेडल जीतेंगे हमारे खिलाड़ी। हरियाणा की मिट्टी में खेल है, गेम है, यहाँ का बच्चा खेल को जानता है।